कुछ लोग कहते हैं कि पहले और आज के दौर में काफी बदलाव आया है। ये बात सरासर गलत नहीं, क्योंकि तब गरीबी और जीविकोपार्जन ही लोगों की मुख्य समस्या हुआ करती थी। लेकिन अब अपने को पर्यावरण के प्रकोप से भी लोगों को बचाना है। जी हाँ, कल तक पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने के बाद अब देश और कई राज्य जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों में इस बात की समझ आ गई है कि अगर जीवन को बचाना है तो पेड़ जरूर लगाना है। अब बिहार की ही बात कर लीजिए, यहाँ के बदलते मौसम और वातावरण को देख यही लगता है कि अब भी अगर हमने नहीं चेता तो आने वाला समय और भी भयावह होगा। बिहार में करोड़ों पेड़ लगाए जाने के बाद ही यहाँ के वातावरण और जलवायु में सुधार के अनुमान है। पिछले कुछ दशकों की बात करें तो बिहार में क्लाइमेट ने जबरदस्त का बदलाव अपने आप में किया है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि बिहार में पेड़ों की एक समय में अंधाधुंध कटाई की गई, जिसके बाद बारिश का समय से न होना, महामारी का फैलना, पानी की किल्लत आदि समस्याएं अनायास ही उत्पन्न होने लगी। अब इसको लेकर केंद्र और राज्य दोनों की ही सरकारों ने पर्यावरण को बचाने और पेड़ लगाने का संकल्प लिया, जिसके तहत बिहार में भी पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि आने वाले जीवन को हरित बनाया जा सके। पर्यावरण संतुलन एवं पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ साथ मानव जीवन पर इसलिए इस दिशा में वन एवं उद्यान विभाग द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों एवं व्यापक वृक्षारोपण अभियान में उनके सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर अभी की बात करें तो बिहार में पेड़ों की कटाई होने से पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ा ही है, साथ ही इस राज्य को बीमारी और महामारी ने भी घेर रखा है। कभी कभी और अचानक होने वाले बरसात और उसमें जमा पानी लोगों के लिए महामारी लेकर आता है। और तो और, पेड़ों की कटाई की ही देन है कि लोगों के दरवाजे पर कई समस्याएं दस्तक दे रही हैं। सबसे पहले भूजल स्तर का गिरना भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आने वाले दिनों में अगर युद्ध स्तर पर बिहार में पेड़ नहीं लगाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। पेड़ों की कटाई करना अपने आप में आत्महत्या करने जैसा है। भले ही इसका असर तुरंत न दिखे, लेकिन जब यह असर करता है तब इसका रूप काफी भयावह होता है। और अब वो दौर आ गया है जब राज्य के लोगों के साथ साथ सरकार को भी इस बात पर जोर देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि मानव जीवन को बचाया जा सके। कहते हैं कि मानव का जीवन अमूल्य होता है। इस भूमंडल पर ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसी कोई प्रजाति नहीं जो खुद की तुलना ईश्वर के बनाए इस जीव से कर दे। मनुष्य को उसका दिमाग और सोचने की शक्ति उसे सजीवों में श्रेष्ठ बनाती है। लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग को जिस ओर लगाओ वो उस ओर लग जाता है, और इस सदी के मनुष्यों ने पेड़ों की जमकर कटाई का दंश झेला है और नतीजा भी आज देश सहित पूरा बिहार झेल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक बिहार में कुल 2 बिलियन पेड़ लगाए जाएंगे तब जाकर यहाँ के क्लाइमेट में सुधार आने की संभावना है। इससे न सिर्फ वर्षा में वृद्धि होगी बल्कि प्रकृति में संतुलन बरकरार रहेगा। और तो और, कई रोगों से लोगों को मुक्ति भी मिल जाएगी। आसपास हरे भरे पेड़ होंगे, पशु पक्षियों और लहलहाते प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेने के लिए बेहद जरूरी है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। लेकिन अगर अब भी जनमानस की आंखों से अज्ञान का पर्दा नहीं हटा तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए एक ऐसे भविष्य के स्वागत के लिए जो कि काफी भयावह होगा।